Hello everyone, in this video we will do some important previous year questions based on data handling using pandas 1. So let us start with the first question. सबसे पहले हम 2 marks के question देखेंगे कि 2 marks में किस type के questions आ सकते हैं, right? The python code written below has syntactical error. ये जो python code आपको दिया गया है उसके अंदर कुछ syntax error है. Rewrite the correct code. आपको करेक्ट कोड को दोबारा से लिखना है और अंडरलाइन करनी है जो भी करेक्शंस आप करोगे, राइट? तो यहाँ पे आपके पास कोड दिया गया है इंपोर्ट पांडास एस पी टी. फाइन, तो पाइथन आपकी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. इसमें आपको लेटर्स का ध्यान रखना होता है कि कौन सा कैपिटल में आएगा, कौन सा स्मॉल में आएगा. तो यहाँ पे इम्पोर्ट का आई बिग है, ओके, विच इज़ नॉट करेक्ट. सबसे पहले आप इसको करेक्ट करेंगे, इम्पोर्ट, यहाँ पे आई को स्मॉल करेंगे, इम्पोर्ट पांडास एस पी टी, राइट? नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, आपकी डी एफ डिक्शनरी आपने क्रिएट की है. फाइन, यहाँ पे कोड में दी गई है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो एज इट इज़ वो आ गया है, ओके. देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट डी एफ, यहाँ पे आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हो, राइट? पी डी डॉट डेटा फ्रेम. अब देखो यहाँ पे ऊपर आपने पी डी स्मॉल में लिया है एलियास नेम, यहाँ पे आप बिग में ले रहे हो, तो आप क्या करोगे, इसको स्मॉल में करोगे पी डी. फाइन, अब डेटा फ्रेम जब फंक्शन यूज करते हो, डेटा फ्रेम फंक्शन, डेटा फ्रेम जो फंक्शन होता है उसका डी कैपिटल होता है और एफ कैपिटल होता है, राइट? तो आपने क्या करना है, डी कैपिटल करना है, एफ कैपिटल करना है, और इसके बाद आपने पास कर दिया डिक्शनरी को इसके अंदर. फाइन, नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो प्रिंट स्टेटमेंट है, जो प्रिंट फंक्शन है, उसका क्या होता है, पी स्मॉल होता है. फाइन, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पी को स्मॉल कर दोगे, ओके. तो आपने यहाँ पे अपने कोड में सिंटेक्स एरर को रिमूव कर दिया है, रेक्टिफाई कर दिया है, ओके. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन पाइथन कोड टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट एज राजस्थान. आपको कोड दिया गया है, पहले आपको इस कोड को कंप्लीट करना है, ओके. और फिर आपको क्या करना है, उस कोड में ऐसी कोडिंग करनी है कि आपका रिजल्ट क्या आए, राजस्थान आए, राइट? सबसे पहले क्या है, इम्पोर्ट डैश एस पी डी. तो इम्पोर्ट आप क्या करोगे, पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करोगे, तो आपने क्या किया, इम्पोर्ट पांडास एस पी डी, राइट? नेक्स्ट आपकी डिक्शनरी दी हुई है, डिक्शनरी एज इट इज़ दी हुई है, तो उसमें आपको कोई भी फिलअप नहीं दिया गया है. फाइन, ओके. नेक्स्ट आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, एन पी इक्वल्स टू डैश डॉट सीरीज. सीरीज फंक्शन में भी डैश दिया हुआ है, ठीक है? तो एन पी क्या है, आपकी एक सीरीज क्रिएट होगी. फाइन, सीरीज क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, पांडास लाइब्रेरी के सीरीज फंक्शन का यूज़ करोगे. तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ड लेंगे, हम लेंगे पी डी, ओके, पी डी डॉट सीरीज, और सीरीज के अंदर क्या पास करेंगे, डिक्शनरी को पास करेंगे, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी. तो देखो ये आपकी सीरीज क्रिएट होके आ गई है, राइट? तो डिक्शनरी के अंदर जो भी कीज थी वो क्या बन चुकी है, इंडेक्स बन चुका है, और जो भी कीज की वैल्यूज थी वो सीरीज की वैल्यूज बन चुकी हैं यहाँ पर, ठीक है? इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू लाइक दिस. फाइन, ओके. अब देखो यहाँ तक जो आपकी कोडिंग हुई है उससे आपका उससे आपकी सीरीज क्रिएट हो चुकी है, ये वाली सीरीज क्रिएट हो गई. फाइन, अब आपको रिजल्ट क्या चाहिए, राजस्थान चाहिए. फाइन, तो राजस्थान आपको रिजल्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप किससे एक्सेस करते हो सीरीज की वैल्यू को, उसकी इंडेक्स से एक्सेस करते हो. फाइन, तो प्रिंट एन पी, आप कौन सी इंडेक्स लोगे, यहाँ पे हम लेंगे इंडेक्स वैल्यू सरिस्का. सरिस्का से आप जब ये स्टेटमेंट दोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास राजस्थान आ जाएगा. अंडरस्टूड, ओके, ओके. सीरीज या डेटा फ्रेम में वैल्यूज एक्सेस करने के लिए आप इंडेक्स वैल्यूज का या आप रो लेबल या कॉलम लेबल का यूज करते हो, तो यहाँ पे सीरीज का इंडेक्स को आपने यहाँ पे पास किया, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी राजस्थान, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम. इस प्रोग्राम का आपको आउटपुट देना है, ठीक है? इम्पोर्ट पांडास एस पी डी. सबसे पहले आपके पास पांडास लाइब्रेरी आ गई है, S1 इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज, यहाँ पे S1 नेम की सीरीज क्रिएट होगी, ओके, बाय यूजिंग द सीरीज फंक्शन. सीरीज फंक्शन में क्या पास किया है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज पास किए हैं और उसकी इंडेक्स वैल्यूज दी है, राइट? तो देखो क्वेश्चन में ये सीरीज बना के नहीं दी हुई है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है. क्वेश्चन सिंपली इतना है, ओके. आपको समझ आपको खुद समझना होगा कि यहाँ पे ये इसकी इंडेक्स वैल्यू हो गई VWXYZ, ओके, और ये उनकी वैल्यूज हो गई. ये आपकी S1 क्रिएट हो गई, सेम वे आपकी यहाँ पे क्या है, S2 क्रिएट हुई है, ठीक है? यहाँ पे लिस्ट दे दी गई है L, ओके, और उसको पास कर दिया गया S2 के लिए, सीरीज के लिए, और उसकी इंडेक्स वैल्यू ये दे दी है. फाइन,
इतना समझ में आ गया, इतनी कोडिंग से दो सीरीज आपकी क्रिएट हो गई। अब आपको क्या दिया हुआ है, अब जब आप ये वाला क्वेश्चन करोगे ना तो आप क्या करना है, एक ब्लैंक स्पेस पे अपनी सीरीज को बना के देख लेना कि ये सीरीज कैसे बनेगी, ये सीरीज कैसे बनेगी। ओके, अब देखो प्रिंट क्या दिया हुआ है, S1 - S2, राइट, मैथमेटिकल फंक्शन करना है S1 - S2। अब आपको ये पता होगा कि सीरीज में मैथमेटिकल फंक्शन, दो सीरीज पे मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उन दोनों की इंडेक्स वैल्यू मिलना बहुत जरूरी है। फाइन, अब देखो वी भी है दोनों में, ठीक है, डब्लू भी है दोनों के अंदर, राइट, एक्स नहीं है, वाई भी है, वाई है यहाँ पे हमारा, और जी भी है, राइट, तो क्या क्या नहीं है, एक्स नहीं है और आपका ए नहीं है, राइट, तो एक्स और ए यहाँ पे इंडेक्स वैल्यूज मैच नहीं कर रही है, तो क्या होता है, अगर इंडेक्स वैल्यूज नहीं कर रही है तो वहां पे एन ए एन आ जाता है, नॉट अ नंबर वैल्यू। फाइन, तो यहाँ पे देखो ए में क्या आ गया, एन ए एन, राइट, देन वी में क्या है, यहाँ पे S1 - S2 है ना, तो 5 माइनस क्या होगा, यहाँ पे वी की वैल्यू देखो 5 - 6, तो आपका आंसर आ गया -1। ओके, अब W में देखो 6 माइनस यहाँ पे क्या है 4, तो ये आ गया 2, ठीक है, X क्या है, दोनों में नहीं है, तो यहाँ पे आ गया नॉट अ नंबर वैल्यू, और यू कैन से नल वैल्यू। फाइन, देन Y में क्या है 8 और इसमें क्या है Y की वैल्यू 6, तो आ गया 2। ओके, Z में क्या है 10 और यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे आ गया 8। ओके, तो आपने यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया दो सीरीज के ऊपर। फाइन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन कमांड, आपको यहाँ पे इस कोड का आउटपुट देना है। फाइन, सबसे पहले क्या है, इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, ओके, पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सीरीज को क्रिएट किया जा रहा है पीडी डॉट सीरीज फंक्शन की हेल्प से। ओके, एंड यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे दिए एंड इंडेक्स वैल्यू दे दिए, राइट, तो आप क्या करोगे, जब भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं, एक थोड़ा सा स्पेस लेके आपको सीरीज को बना लेना है। इंडेक्स वैल्यू हमारी ये होगी ए बी सी डी ई एफ और उसकी वैल्यूज होगी 1 2 3 4 5 6। फाइन, अब देखो नेक्स्ट क्या आपको प्रिंट कराना है, आपको प्रिंट कराना है एस, एस क्या है सीरीज, ओके, एस मॉड्यूलस टू डबल इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे जो भी एस मॉड्यूलस 2 है इसकी वैल्यू को कंपेयर किया जा रहा है 0 से, राइट, अगर ये दोनों 0 हो जाते हैं, ठीक है, 0 = 0, तो ये जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। फाइन, जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, तो सबसे पहले देखो ए में क्या है 1 मॉड्यूलस 2, मॉड्यूलस का क्या मतलब होता है, रिमाइंडर होता है, राइट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, जो एस को आप 2 से डिवाइड करोगे, ओके, और एस को 2 से डिवाइड करोगे और एस मॉड्यूलस 2 का मतलब है रिमाइंडर जो आएगा वो यहाँ पे शो होगा। फाइन, रिमाइंडर, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू नहीं होगी शो क्योंकि वो 0 नहीं होगी। सेकंड क्या है 2 डिवाइडेड बाई 2 = 0, ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया आपका 0, ठीक है, तो 0 = 0, तो ये वाली वैल्यू आपकी प्रिंट हो गई, ये वाली जो आपकी सीरीज की वैल्यू है वो प्रिंट हो गई, ठीक है। देन सी गया, सी नेक्स्ट में आपका सी जाएगा, सी में क्या है, ये डिवाइड नहीं होगा, वैल्यू इक्वल नहीं होगी 0 के, तो ये प्रिंट नहीं होगा, लेकिन 4 क्या होगा, कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 वाली आपकी सीरीज आ गई। 5 नहीं होगा, इसकी वैल्यू नहीं आएगी, एंड देन एफ आपका 6 डिवाइड हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। फाइन, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ जो आपने यहाँ पे क्या किया है, कंडीशन दी है, वो ट्रू हो रही है, मतलब 0 = 0 हो रहा है, तो वहाँ वो वाला सीरीज वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। फाइन, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द गिवन डेटा फ्रेम, आपको एक डेटा फ्रेम दिया गया है डेटा F1, राइट, यहाँ पे इसके देखो रो लेबल्स ये हैं D1, D2, D3, D4 और ये इसके कॉलम्स हैं F1, F2, F3, राइट, फिल इन द ब्लैंक्स टू गेट द गिवन आउटपुट। अब आपको क्या करना है, ये आउटपुट दिया गया है कि ये आउटपुट कैसे आएगा, F1, F3, D1, D3, राइट, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रिंट डेटा F1 आपका डेटा फ्रेम का नेम है डॉट लॉक, लॉक में आप क्या दोगे, लेबल्स दोगे। फाइन, अब देखो सिंपल है इसको करने का तरीका, यहाँ पे देखो रोज कौन कौन सी है, D1, D3, ठीक है, तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है, देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें आप दे दो D1, D3, ओके, रो लेबल्स दे दो, देन सेकंड ब्रैकेट है उसमें आप दोगे कॉलम लेवल F1, F3, तो आपने यहाँ पे दे दिया F1, F3,
राइट तब जब आप ऐसे दोगे डेटा का नेम डॉट लॉग और उसको प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर रोज एंड कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगे। फाइन, अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या दिया हुआ है, आपकी रोज क्या है D4 एंड D3, ओके, एंड कॉलम्स क्या है F3 एंड F2। सेम वे आप पहले क्या करो, D4 एंड D3 दे दो रोज नेम्स, ठीक है, ओके, रोज एंड कॉलम्स, कॉलम्स आपके हो गए F3 एंड F2, F3 एंड F2, ओके। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, सिंपल है, बस ये देखना है लेबल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं अलॉन्ग विद द लॉग फंक्शन, ओके, D1 D3 रोज के लिए एंड F1 F3 एज अ लिस्ट आप दोगे फॉर द कॉलम्स, फाइन, ओके। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री अ डेटा एनालिस्ट हैज स्टोर्ड 4 एम्प्लॉइज नेम एंड देयर एम्प्लॉय कोड इन 4 डिक्शनरी। गायत्री ने क्या किया है, 4 एम्प्लॉइज के नेम और उनका एम्प्लॉय कोड 4 डिक्शनरीज में स्टोर किया है। स्ट्रक्चर ऑफ वन सच डिक्शनरी इज एज फॉलोस, और एक डिक्शनरी का स्ट्रक्चर दिया गया है कैसे, एम्प्लॉय नेम, ओके, ये ई नेम क्या हो गया की, और ई एम पी नेम क्या हो गया उसकी वैल्यू, ई कोड क्या हो गया की, और एम्प्लॉय कोड क्या हो गया उसकी वैल्यू। She clubbed these 4 dictionaries into a list. उसने क्या किया, इन dictionaries को एक list में club कर दिया है, join कर दिया है. Write suitable Python code to store the required data of 4 employees in the form of list of dictionary and create a data frame with appropriate column headings as shown below. तो basically क्या करना है, इस तरीके का आपको data frame create करना है. फाइन, आपको दिया गया है, ओके, जिसके अंदर क्या है, डेटा ई नेम है एंड ई कोड है, और आपको किस कैसे क्रिएट करना है डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, फाइन, ओके, और यहाँ पे क्या दिया गया, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, आपको लिस्ट ऑफ डिक्शनरी क्रिएट करनी है, राइट तो सबसे पहले आपने क्या किया, इम्पोर्ट पांडास एस पी डी, पांडास को इम्पोर्ट किया, राइट, फिर हमने एक वेरिएबल लिया डेटा, ओके, डेटा हमारा क्या है, लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर जो जो डेटा एलिमेंट्स है वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, फाइन। अब देखो इस लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एक डिक्शनरी है जिसके अंदर ई नेम की और जॉन उसकी वैल्यू है, देन ई कोड की और 88 उसकी वैल्यू है। सेकेंड एलिमेंट में भी अगेन ई नेम एमिली, ई कोड 92, ई नेम मिकैल, ओके, एंड ई कोड 78, ई नेम सोफिया एंड ई कोड 95, राइट। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, फाइन। अब देखो इस डिक्शनरी को सिंपली आपको डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर पास करना है जिससे आपका डेटा फ्रेम क्रिएट होगा। तो आपने df यहाँ पे एक वेरिएबल नेम ले लिया जो आपका डेटा फ्रेम बन जाएगा, इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम के अंदर आपने डेटा डिक्शनरी को, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी को, नॉट डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी को पास कर दिया है, राइट, एंड प्रिंट df, ओके, तो दिस इज योर डिक्शनरी, फाइन, राइट। और जो आपको ये नेम लेने हैं वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेने हैं, कि क्वेश्चन में दिए गए हैं, और ई कोड भी आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेना है, फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, आपको इस कोड का आउटपुट फाइंड आउट करना है, ओके, सबसे पहले क्या है, आपको इम्पोर्ट पांडास एस पी डी, पांडास की लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया गया है, यहाँ पे आपके पास लिस्ट वन है, लिस्ट वन 20, 35, 40, एंड आपके पास एक वेरिएबल है सर वन, तो ये क्या है, सीरीज है, राइट, तो यहाँ पे देखो सीरीज 20, 35, 40, तो एक आपके पास लिस्ट है और एक आपके पास क्या है, सीरीज है। अब आपने फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या है, आपने लिस्ट वन प्लस लिस्ट वन, लिस्ट वन को दो बार ज्वाइन किया है, मतलब प्लस किया है। अब देखो लिस्ट से लिस्ट को आप जब ज्वाइन करोगे या प्लस करोगे तो वो क्या हो जाएगी, कॉन्केट हो जाएगी, वो ज्वाइनिंग हो जाएगी, एक दूसरे से अपेंड हो जाएगी, राइट, तो 20, 35, 40 प्लस 20, 35, 40, तो ये क्या हो गया, अपेंड हो गई है, ज्वाइन हो गई है, इसको कॉन्केटेनेशन बोलते हैं, ओके। नाउ सीरीज, सीरीज में आप एडिशन करोगे तो क्या होगा, दोनों सीरीज के एलिमेंट्स एक दूसरे से क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, राइट, 20 प्लस 20 आपके पास आ गया 40, देन 35 प्लस 35 70 आ गया आपके पास, देन 40 प्लस 40 आपके पास 80 आ गया, राइट, समझ में आ गया, क्योंकि सीरीज पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, फाइन, ओके। अब हम देखेंगे कि 3 मार्क्स में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके, क्रिएट अ डेटा फ्रेम इन पाइथन फ्रॉम द गिवन लिस्ट, आपके पास लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट दी गई है, आपको इससे एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है,
फाइन. ऑल्सो गिव अप्रोप्रिएट कॉलम हेडिंग्स एज शोन बिलो. तो यहाँ पे देखो इस टाइप का डेटा फ्रेम आपको क्रिएट करना है जो आपको दिया गया है. फाइन, सबसे पहले सिंपल आपको इंपोर्ट करना है पांडास एस पी डी. इसको अच्छे से याद कर लो, आपको पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है. फाइन, सेकेंड आपको क्या दिया हुआ है, आपको पूरी लिस्ट दी हुई है, पूरा का पूरा डेटा आपको दिया हुआ है. सिंपल आपको क्या करना है, एक वेरिएबल में उसको इनिशलाइज कर देना है. डी एफ इक्वल्स टू, ओके, आपको कम्प्लीटली लिस्ट दे रखी है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लिस्ट दे रखी है, नेस्टेड लिस्ट. ठीक है, आपने एज इट इज डी एफ वेरिएबल में इसको डाल दिया. ठीक है, इसको इनिशलाइज करा दिया. देन अब आपको ये स्टेटमेंट लर्न होनी चाहिए, पी डी डॉट डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम के अंदर आपने अपनी लिस्ट जो डी एफ नेम से आपने लिस्ट क्रिएट की है उसको पास किया, इसी से आपका डेटा फ्रेम क्रिएट होगा. राइट, ओके. एंड कॉलम नेम्स आपने दे दी, कॉलम्स नेम यहाँ पे दिया नेम डिपार्टमेंट सैलरी, तो ऐसे ही आप दे दोगे नेम डिपार्टमेंट सैलरी कॉलम नेम्स. फाइन, कॉलम्स आपको यहाँ पे कॉलम आर्ग्यूमेंट को स्पेसिफाई करना है और इक्वल्स टू जो भी कॉलम्स नेम देने हैं आपको देने हैं. राइट, अब देखो जब आपने यहाँ पे, चलो ये तो दिया ही हुआ है दिव्या एचआर. ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो प्रिंट, नेक्स्ट आपने क्या किया, प्रिंट डीएफ. ओके, प्रिंट करा दिया. देखने में क्वेश्चन बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा है, बट देखो इसमें सारा कुछ दिया हुआ है खुद से. आपको फर्स्ट स्टेटमेंट याद होना चाहिए, इंपोर्ट पांडास एस पी डी. आपको एज इट इज लिस्ट दी हुई है, आपने कॉपी कर दी. आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि आप डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हो. आप डेटा फ्रेम पी डी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन, पी डी यहाँ पे, पी डी क्या है, पांडास का एलियस नेम है, या फिर आप पांडास डॉट डेटा फ्रेम भी लिख सकते हो यहाँ पर. ओके, और आप जो भी डेटा पास करना है वो पास कर दोगे. इंडेक्स वैल्यूज आपको देनी है आप वो दे सकते हो. आपको कॉलम लेबल्स देने हैं तो आप कॉलम्स आर्ग्यूमेंट को पास करके कॉलम लेबल्स दे सकते हो. राइट, एंड देन आप अपने डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दो. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन पाइथन कोड टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट एज कैलिफोर्निया. आपको इस कोड को कंप्लीट करना है. ओके, और आपको क्या चाहिए, आपको आउटपुट चाहिए कैलिफोर्निया. फाइन, तो सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एस पी डी, हमने पांडास को यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, डेटा हमारे पास दिया हुआ है, ये आपके पास डिक्शनरी है तो वो एज इट इज आ गई है. फाइन, इसमें कोई फिलअप नहीं दिया हुआ. अब नेक्स्ट देखो नेशनल पार्क्स. नेशनल पार्क क्या है, एक वेरिएबल नेम है जो क्या बन जाएगा, एक सीरीज बन जाएगा, पी डी डॉट सीरीज, और सीरीज के अंदर आप क्या पास कर दोगे, डेटा. राइट, तो आपने डेटा पास कर दिया. जब आप देखो इतनी कोडिंग कर लेते हो, डेटा तक की कोडिंग कर लेते हो यहाँ तक की, तो आपकी क्या बन चुकी है, नेशनल अंडरस्कोर पार्क्स नेम से सीरीज बन चुकी है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, इस डेटा को लेकर. ठीक है, तो अगर आप देखना चाहो तो ये आपकी सीरीज है जिसके अंदर ये इंडेक्स है और ये उसकी वैल्यू है. योश्मिता कैलिफोर्निया, येलोस्टोन, वायोमिंग, ग्लेशियर, मोंटेना. ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी इंडेक्स वैल्यू है और ये आपकी इंडेक्स की वैल्यूज है. फाइन, अब आपको क्या चाहिए, आपको कैलिफोर्निया चाहिए. कैलिफोर्निया के लिए आप क्या करोगे, आप उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाओगे जहाँ पे कैलिफोर्निया है. तो योश्मिता यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू है, तो सिंपल क्या करना है, प्रिंट सीरीज का नेम, नेशनल अंडरस्कोर पार्क. ओके, एंड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट यू विल गिव द इंडेक्स वैल्यू और इंडेक्स लेबल. तो यहाँ पे योश्मिता आपने दे दिया, तो आप इससे क्या होगा, आपका कैलिफोर्निया एक्सेस हो जाएगा. Fine, so here you have accessed your value. Okay, now move to the next question. Consider the given data frame employees. तो ये आपके पास employees data frame है. Write suitable Python statement for the following operation. अब आपको कुछ operations perform करने हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, add a column called salary. आपको इसके अंदर एक column को add करना है salary name से with the following data. राइट, जिसके अंदर ये डेटा दिया गया है सैलरी में. फाइन, सिंपल आपको डेटा फ्रेम का नेम क्या है, डी एफ. ओके, ओके, एंड आपने कॉलम का नाम क्या लेना है, सैलरी इक्वल्स टू आप इनिशलाइज कर दोगे वैल्यू. राइट, तो सिंपल होता है, दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू अपेंड अ कॉलम टू अ डेटा फ्रेम. ओके, और टू यू कैन से इंसर्ट अ कॉलम इन अ डेटा फ्रेम, सिंपल. राइट, डी एफ डेटा फ्रेम का नेम है, जो भी कॉलम नेम चाहिए वो कॉलम नेम ले लिए, इक्वल्स टू वैल्यू इनिशलाइज कर दी. राइट, नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, इंक्लूड अ न्यू एम्प्लॉय नेम्ड ईव विद द एम्प्लॉय आई डी दिस. आपको एक और एम्प्लॉय को ऐड करना है ईव नेम से, जिसका एम्प्लॉय आई डी ये है, वर्किंग इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट. और उसका डिपार्टमेंट क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है. ओके, सैलरी भी उसकी क्या है, ये है, क्योंकि हम सैलरी कॉलम ऐड कर चुके हैं. फाइन, तो उसके लिए आपने क्या किया, आपको कहाँ पे ये जीरो है, 1 2 3
तो फोर्थ पे एम्प्लॉय डॉट लॉक आपने पोजीशन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। फोर्थ इंडेक्स पे क्या आपने वैल्यूज इनिशलाइज कर दिए कौन कौन सी। यहाँ बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक रो को ऐड कर रहे हो, फोर्थ इंडेक्स पे आप रो को ऐड कर रहे हो। नेम पे आपने ई वैल्यू दी है, एम्प्लॉय आईडी पे आपने EMP005 दी है, डिपार्टमेंट फाइनेंस दिया है एंड सैलरी आपने 62,000 दी है। ओके, सो दिस इज द वे टू एड अ रो टू द डेटा फ्रेम, राइट। नेक्स्ट आपका क्या है, चेंज द नेम ऑफ द एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कॉलम टू आईडी। जो एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कॉलम है उसका नेम चेंज करके आपने आईडी कर दिया है, तो उसके लिए हम रीनेम फंक्शन का यूज करेंगे, df डॉट रीनेम। रीनेम फंक्शन के अंदर आप क्या करोगे, कॉलम्स पैरामीटर को पास करोगे, कॉलम्स इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी क्या है आपका, ओल्ड कॉलम नेम है, ओके, देन कॉलम आईडी आपका क्या है, न्यू कॉलम नेम है, राइट। तो दिस इज द वे, ये जो जितने भी देखो दिए हुए हैं इसके लिए आपको पहले अपना सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, राइट। ये जो मैंने बताया कि रोज कैसे ऐड करनी है, डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम्स कैसे ऐड करने हैं, रीनेम कैसे करने हैं, इसकी सारी वीडियोज दे रखी हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे, राइट। तो df डॉट रीनेम, रीनेम फंक्शन के आप अंदर आप कॉलम्स को पास करोगे और कॉलम्स के अंदर आप डिफाइन करोगे कि ओल्ड नेम क्या है और न्यू नेम आप क्या देना चाहते हो, फाइन, ओके। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब आप देखेंगे कि 4 मार्क्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर्स में पेपर्स में CBSE एग्जाम्स में आ चुके हैं, राइट। Whisbees Corporation is recording the quarterly sales data of its 3 products through different departments. The data is as follows. तो आपके पास data आया हुआ है products का. The company stores this information in a CSV file named quarterlysales.csv. ये जितना भी information है company ने एक CSV file में store कर रखा है जिसका नाम है quarterly_sales CSV file, ठीक है। मिस्टर राज इज टास्क फॉर राइटिंग अ पाइथन प्रोग्राम टू विजुलाइज दिस डेटा। अब देखो डेटा आपके पास है, अब इसका क्या करना है, इसको विजुलाइज करना है, इसको ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ही रोट द फॉलोइंग पाइथन कोड बट एनकाउंटर्ड सम डिफिकल्टीज, राइट। तो पाइथन कोड लिख लिया है लेकिन उसमें कुछ डिफिकल्टीज है, हेल्प हिम बाय प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग सिचुएशन। तो यहाँ पे हेल्प करनी है इस जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व करने में। तो ये आपके पास कोड दिया हुआ है, फाइन, और कोड के अंदर कुछ फिलअप्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट पाइथन लाइब्रेरी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू इंपोर्ट इन लाइन वन। लाइन वन में आपको पाइथन लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पे देखो लाइन स्टेटमेंट वन, लाइन वन में आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, ओके। तो यहाँ पे इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट आपका ऑप्शन डी है, तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, राइट। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ग्राफ इन लाइन 3। तो अगर आपको लाइन 3, ये है आपकी लाइन 3, इसके अंदर आपको बताना है कि टाइप ऑफ ग्राफ अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं काइंड, राइट, काइंड इक्वल टू बार, राइट। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, काइंड, ओके। नाउ नेक्स्ट, राइट द सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट टू फेच द डेटा फ्रॉम quarterly_sales.csv इनटू द डेटा फ्रेम इन लाइन 2, राइट। तो ये क्या कह रहा है कि आपको एक पाइथन स्टेटमेंट लिखनी है जहाँ पे क्या करना है, आपको quarterly_sales.csv फाइल से डेटा को फेच करना है, डेटा को लेना है और उसे डेटा फ्रेम में स्टोर करना है, फाइन। तो इसके लिए आपको स्टेटमेंट देनी है, तो आपके पास फाइल है quarterly_sales.csv, फाइन। तो यहाँ पे सिंपल है, हमारे पास क्या स्टेटमेंट यूज होगी, pd.read_csv, read_csv से जो भी आप डेटा रीड करोगे, राइट। यहाँ पे देखो read_csv फंक्शन के अंदर आप फाइल का नेम दोगे जहाँ से आपको डेटा रीड करना है, राइट। और अगर आप इसको कहाँ पे, आपको एक चीज़ और देनी थी, यहाँ पे आपको इसको डेटा फ्रेम में रीड कराना है तो आप df=2 दे सकते थे, df=2 pd.read_csv और csv फाइल का पाथ या नेम। तो इससे क्या होता है, जो भी डेटा रीड होगा वो आपके डेटा फ्रेम में जाके रीड हो जाएगा,
ओके नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या है, और अगर ये क्वेश्चन नहीं करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द टोटल सेल्स डन इन, आपको पाइथन स्टेटमेंट लिखनी है, टोटल सेल्स दिखानी है जो कब हुई है, क्वार्टर वन में हुई है एंड क्वार्टर टू में हुई है ऑफ फॉर ईच प्रोडक्ट, राइट। तो इसके लिए आपके पास स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट डीएफ, डीएफ क्या है डेटा फ्रेम का नेम, क्वार्टर वन आपने क्या लिया है कॉलम लेबल प्लस डीएफ क्वार्टर टू, तो यहाँ पे क्या ये वाला कॉलम एक्सेस हो जाएगा क्वार्टर वन ओके एंड क्वार्टर टू, और आप इनने क्या किया है इन दोनों का एडिशन करा दिया है, फाइन सिंपल। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, दोनों की सेल्स का एडिशन हो गया, टोटल सेल्स यहाँ पे क्वार्टर वन और क्वार्टर टू की डिस्प्ले हो जाएगी, ओके। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एकम अ डेटा एनालिस्ट विद अ मल्टीनेशनल ब्रांड हैज डिजाइंड द डेटा फ्रेम डीएफ दैट कंटेन्स द फोर क्वार्टर सेल्स डेटा ऑफ डिफरेंट स्टोर्स एज शोन बिलो। तो यहाँ पे आपके पास डेटा फ्रेम दिया गया है जिसके अंदर क्या दिया है, आपके पास डिफरेंट स्टोर्स की सेल्स का डेटा दिया गया है, फाइन। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो ये आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वन बाय वन हम इनके आंसर करेंगे, फाइन। तो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट, राइट ओके। आपको क्या बताना है, इस जो पाइथन की स्टेटमेंट दी गई है इनका आउटपुट आपको यहाँ पे शो करना है। तो फर्स्ट हमारी पर स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट डीएफ, डीएफ क्या है डेटा फ्रेम का नेम डॉट साइज, साइज क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डेटा फ्रेम, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा 15। इसके अंदर जब भी ये स्टेटमेंट आएगा आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम के एलिमेंट्स को काउंट कर लेना है, ओके। देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, राइट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके साइज मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितना आ गया 15, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, डीएफ, ओके डीएफ के अंदर आपको क्या दिए, इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू क्या दी है, 1 से स्टार्ट हुई है और आपका 3 पे फिनिश हुई है, तो लास्ट वैल्यू क्या होती है -1, तो ये 1 से स्टार्ट होगी और 2 पे फिनिश होगी, फाइन। तो ये दोनों रोज आपकी एक्सेस हो जाएंगी, ओके। देखो यहाँ पे आपका 1 एंड 2, ये दोनों आपकी रोज एक्सेस हो गई है, आप इनको डिस्प्ले करा दोगे मतलब इनको लिख दोगे एग्जाम के अंदर, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका, डिलीट द लास्ट रो फ्रॉम द डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में से लास्ट रो क्या आपकी 2, उसको डिलीट करना है, ओके। तो इसके लिए आप स्टेटमेंट क्या दोगे, df इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप, ड्रॉप फंक्शन का आप यूज करोगे और यहाँ पे आपने इंडेक्स वैल्यू पास कर दी 2, ओके। इंडेक्स वैल्यू आपकी 2 क्या है, लास्ट रो के लिए है, या फिर आप दे सकते हो df डॉट ड्रॉप और आपने 2 पास कर दिया और एक्सिस डिफाइन कर दिया 0 एक्सिस, 0 एक्सिस मीन्स रो वैल्यू। Now next question, write Python statement to add a new column total sales which is the addition of all the four quarter sales. आपको एक new column add करना है जिसका name क्या है total underscore sale, okay, जिसके अंदर जो values आएंगी वो किसका addition होंगी, जो four quarters हैं उनकी values का addition होगी, उनकी values का total होगी, right? तो यहाँ पे आपका df आपका data frame का name है, इसमें आपने new column name ले लिया total underscore sale, right? और इसमें आपने क्या initialize कर दिया, आपने values initialize कर दी है, df quarter 1 प्लस df क्वार्टर 2 प्लस df क्वार्टर 3 df क्वार्टर 4, तो इन सब की वैल्यूज का टोटल होके टोटल सेल की वैल्यूज में क्या आ जाएगा, एज अ वैल्यू आ जाएगा, फाइन। तो अब नेक्स्ट क्या है आपका, राइट पाइथन स्टेटमेंट टू एक्सपोर्ट द डेटा फ्रेम टू अ सीएसवी फाइल, आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम का डेटा सीएसवी फाइल के अंदर ट्रांसफर करना है, ओके। नेम्ड डेटा डॉट सीएसवी, जो आपकी सीएसवी फाइल है उसका नाम है डेटा डॉट सीएसवी और वो डी ड्राइव में सेव है, फाइन। सिंपल आप फंक्शन का यूज करोगे df डॉट टू अंडरस्कोर सीएसवी, मतलब df से डेटा सीएसवी फाइल में चला जाएगा और सीएसवी फाइल सीएसवी फंक्शन के अंदर टू अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन के अंदर आप फाइल का पाथ दे दोगे जहां पे सीएसवी फाइल स्टोर है, ओके ओके। अब हम देखेंगे कि 5 मार्क्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्लॉट अ लाइन चार्ट बेस्ड ऑन द गिवन डेटा टू डिपिक्ट द वीकली स्टडी पैटर्न फॉर ऑल द 7 डेज, राइट। तो यहाँ पे आपको लाइन चार्ट प्लॉट करना है और आपको डेटा दिया गया है, आपको डे दिया गया है, स्टडी आवर्स दिए गए हैं एज अ लिस्ट, ओके वैल्यूज दी गई हैं। ऑल्सो गिव सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट टू सेव द चार्ट, आपको सेव भी करना है डी ड्राइव में चार्ट को, ऑफ द कंप्यूटर विद द नेम स्टडी डॉट पी एन जी, और जो ग्राफ को आप सेव करोगे उसका नेम आप दोगे स्टडी डॉट पी एन जी,
राइट, तो आपको क्या करना है, कोड यहाँ पे लिखना है. सबसे पहले आप इंपोर्ट करोगे matplotlib.pyplot, ठीक है. matplotlib का pyplot मॉड्यूल बहुत जरूरी होता है इंपोर्ट करना, बिकॉज यही आपके ग्राफ्स को ड्रॉ करने में हेल्प करता है. इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt, आपने alias नेम ले लिया plt, ओके. अब यहाँ पे डे हमें दिया हुआ है, स्टडी आवर्स हमें दिए हुए हैं. सिंपल, आप matplotlib.pyplot के प्लॉट फंक्शन का यूज करोगे. लाइन ग्राफ के लिए प्लॉट फंक्शन का यूज किया जाता है, plt.plot, ओके. एक्स एक्सिस के लिए आपने डेज को पास कर दिया, वाई एक्सिस के लिए आपने स्टडी आवर्स को पास कर दिया. इससे आपका लाइन ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा. फाइन, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था, आपको अपने ग्राफ को सेव करना है, तो उसके लिए आप क्या दोगे, plt.savefig फंक्शन का यूज करोगे, और savefig फंक्शन में आप लोकेशन या पाथ दे दोगे फाइल का. तो डी ड्राइव आपने दे दिया, study.png आपने नेम दे दिया है, राइट, ओके. लास्ट आपको क्या करना है, अपने ग्राफ को शो करना है, तो plt.show फंक्शन का आपने यहाँ पे यूज किया है, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल नंबर ऑफ हाउसेज आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल. तो यहाँ पे हाउसेज दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, ओके. ओके, नाउ डिस्ट्रिक्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पे 7th 40, 8th 45, 9th 35 and 10th 44. ड्रॉ द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ हाउसेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ओके. ऑल्सो गिव सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट टू सेव दिस चार्ट इन ई ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर विद द नेम house.png, राइट. अब यहाँ पे देखो, आपको इस क्या करना है, आपको यहाँ पे बाय ग्राफ क्रिएट करना है, उसके लिए कोड लिखना है, फाइन. तो यहाँ पे देखो, इम्पोर्ट matplotlib.pyplot एज plt, सबसे पहले आपने इम्पोर्ट कर दिया matplotlib लाइब्रेरी को, ओके. आपको दिया हुआ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में आपके पास वैल्यूज हैं, ये आपकी वैल्यूज हैं 7th 8th 9th एंड 10th. सेकेंड, आपके पास हाउसेस हैं, हाउसेस की वैल्यूज हैं, ये आपने हाउसेस की वैल्यूज दे दी, राइट. आपको पता है बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको बार फंक्शन का यूज करना होता है, तो plt.bar, बार के अंदर आपने एक्स एक्सिस के लिए पास कर दिया डिस्ट्रिक्ट, ओके, एंड वाई एक्सिस के लिए आपने पास कर दिया हाउसेस की वैल्यू, ओके. आपका बार ग्राफ आ जाएगा. नाउ plt.savefig, savefig फंक्शन में आप क्या करोगे, वैल्यूज पास कर दोगे, उसका फाइल का पाथ पास कर दोगे जहां पे आपको आपकी फाइल को सेव करना है और जिस भी नेम से सेव करना है, फाइन. एंड इन द लास्ट यू विल गिव द कमांड plt.show टू शो योर ग्राफ, ओके. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके. द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ 8th ग्रेड आर गिवन बिलो. यहाँ पे हाइट दी गई है सेंटीमीटर में स्टूडेंट्स की, ओके. राइट, सुटेबल पैथन कोड टू जनरेट अ हिस्टोग्राम बेस्ड ऑन द गिवन डेटा. अब आपको हिस्टोग्राम के लिए कोड लिखना है, अलॉन्ग विद एन अप्रोप्रिएट चार्ट टाइटल एंड बोथ एक्सिस लेबल. चार्ट का टाइटल भी देना है, एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का आपको लेबल भी देना है. ऑल्सो गिव सुटेबल पैथन स्टेटमेंट टू सेव द चार्ट. उस आपको चार्ट को सेव करने के लिए भी क्या देना है, कमांड देना है, फाइन. सबसे पहले आपने क्या किया, इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt. सबसे पहले आप जब भी ग्राफ्स और चार्ट को क्रिएट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यही होगा कि आपको matplotlib लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है अलॉन्ग विद pyplot, राइट. अब देखो, आपके पास डेटा है हाइट सेंटीमीटर में, आप उस डेटा को यूज कर लो, ठीक है. अब सिंपली आपने क्या किया, plt.hist, और यहाँ पे आपने, क्योंकि आपके पास एक ही सीक्वेंस दी हुई है, आपने यहाँ पे हिस्ट फंक्शन का यूज किया है, हिस्टोग्राम आपको ड्रॉ करना है, हिस्ट फंक्शन का यूज किया है, हाइट अंडरस्कोर सेंटीमीटर, फाइन. अब देखो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द हाइट्स आपके क्या आ जाएंगे, ग्राफ्स आपके बार्स क्रिएट हो जाएंगे हिस्टोग्राम के, ओके. और वो अपने बाय डिफॉल्ट वो इंटरवल्स क्रिएट कर लेगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज, ओके. नाउ टाइटल देने के लिए आप क्या करोगे, plt.title, इसमें आपने कोई भी टाइटल दे दिया चार्ट का, हाइट चार्ट दे दिया, देन एक्स लेबल फंक्शन यूज होता है, एक्स लेबल को, एक्स एक्सिस को लेबल देने के लिए, हाइट्स इन सेंटीमीटर, हाइट्स आ गई, देन वाई लेबल में आप नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे आपके, ओके. देन plt.show, शो स्टेटमेंट आप से आप क्या होगा, शो कर दोगे, एंड plt.savefig से आप चार्ट को क्या कर दोगे, आप सेव कर दोगे, फाइन. तो आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, कौन सी सीक्वेंस दी हुई है, उस सीक्वेंस को आपको पास कर देना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टेटमेंट, अपनी कमांड्स को लिख दोगे, फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट सुटेबल पाइथन कोड टू क्रिएट फेवरेट हॉबी बार चार्ट एज
शॉन बिलो. तो यहाँ पे आपको चार्ट दिया हुआ है, फेवरेट हॉबी जिसमें नंबर ऑफ पीपल दिए हुए हैं वाई एक्सिस पे, एंड हॉबीज आपकी दी हुई हैं एक्स एक्सिस पे. ऑल्सो गिव द सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट टू सेव दिस चार्ट. तो आपको इस चार्ट को आपको कैसे क्रिएट करना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. आपको इसकी कोडिंग लिखनी है कि आपको इसको कैसे क्रिएट करना है. सबसे पहले इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, राइट. एक्स एक्सिस पे हॉबीज दिए, यहाँ से आप कॉपी कर लो डांस म्यूजिक पेंटिंग और प्लेइंग स्पोर्ट्स, वो आपने कॉपी कर लिया. वाई एक्सिस पे आप देख लो यूजर्स दिए हुए हैं 500 तक, तो आप अपने अकॉर्डिंग चार्ट्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो. यहाँ पे फर्स्ट क्या आपका 300 पे है, सेकंड आपका 400 पे है, फिर आपका 100 पे है, 500 पे. हमने चार्ट को देख के यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यूज ले ली है, राइट. अब बार चार्ट को क्रिएट करने के लिए बार फंक्शन का यूज किया जाता है, plt डॉट बार, और बार में आपने एक्स एक्सिस को पास कर दिया एंड वाई एक्सिस को पास कर दिया, राइट. नाउ वी हैव द टाइटल. टाइटल से आप क्या दोगे, फंक्शन का टाइटल, आपने चार्ट का टाइटल दोगे, फेवरेट हॉबी, तो हमने यहाँ पे फेवरेट हॉबी दे दिया है. वाई लेबल नंबर ऑफ पीपल, राइट, नंबर ऑफ पीपल लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल दे दिया. एक्स पे आपका हॉबीज यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमने हॉबीज दे दिया. देन आपका क्या है, plt डॉट शो, शो फंक्शन से आपका चार्ट क्या होता है, डिस्प्ले होता है, ये आपको देना जरूरी होता है. देन plt डॉट सेफिक, सेफिक में आपने क्या दे दिया है, हॉबीज डॉट jpg, फाइन. अब देखो जो भी डेटा लिया है हमने इस फिगर से ही लिया है, राइट. आपको फिगर को देखना है, देखना है एक्स एक्सिस पे क्या डेटा है उसको एज अ सिक्वेंस ले लो, फिर वाई एक्सिस पे क्या डेटा है उसको एज अ सिक्वेंस ले लो, फिर ठीक है. अब वही हमने क्या कर दिया, बार फंक्शन के अंदर पास कर दिया. अब देखो टाइटल जो हमने लिया है फेवरेट हॉबी वो भी यहाँ से देख के लिया है. अब वाई लेबल एक्स लेबल जो हमने लिया है वो भी हमने ग्राफ से देख कर लिया है, फाइन. नाउ अब आप क्या करोगे, केस स्टडी क्वेश्चंस करोगे जिससे आपको पता चलेगा कि केस स्टडी क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं एग्जाम में, राइट. तो यहाँ पे हम देखते हैं, मिस्टर शर्मा इज वर्किंग विद एन आईटी कंपनी एंड ही हैज प्रोवाइडेड सम डेटा. मिस्टर शर्मा आईटी कंपनी में वर्क करते हैं और उनको कुछ डेटा दिया गया है, ऑन विच ही वॉन्ट्स टू डू सम ऑपरेशन. इस डेटा पे वो कुछ काम करना चाहते हैं, बट ही इज फेसिंग सम प्रॉब्लम, हेल्प हिम. पर वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, राइट. तो यहाँ पे क्या है, कोड है, और कोड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम भी क्रिएट किया हुआ है, राइट. ये डेटा फ्रेम आपको शायद क्वेश्चन में ही दिया गया है, फाइन, ओके. अब क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस क्या होंगे, राइट. नाउ बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन नंबर 1 to 5. जो भी आपको डेटा फ्रेम दिया गया है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, ही वॉन्ट्स टू एड अ न्यू कॉलम, राइट. अभी आपके पास डेटा फ्रेम है, आपको न्यू वो क्या करना चाहते हैं, न्यू कॉलम ऐड करना चाहते हैं विद द नेम स्टूडेंट प्रेम, राइट. जो न्यू कॉलम होगा उसमें जो स्टूडेंट का नेम क्या होगा, प्रेम होगा. इन द अबव डेटा फ्रेम चूज द राइट कमांड टू डू सो. तो आपको बताना है कौन सी कमांड से वो कॉलम ऐड कर सकते हैं. तो df क्या है डेटा फ्रेम का नेम, प्रेम है कॉलम का नेम, ओके. और यहाँ पे 3 वैल्यूज दे दी गई हैं, फाइन. तो यहाँ पे 3 वैल्यूज दे दी गई हैं, तो ये करेक्ट है आपका, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, राइट. अब यहाँ पे आई थिंक डेटा फ्रेम का नेम df है, कैपिटल में है, तो यहाँ पे ये तो रॉन्ग हो गया, और ये रॉन्ग है आपका. थर्ड में 4 वैल्यूज दिया है, ये रॉन्ग है, और यहाँ पे प्रेम नहीं दिया हुआ, नेम दिया हुआ है, तो ये भी रॉन्ग है. तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ए, राइट. नाउ सेकंड, ही वॉन्ट्स टू सेट ऑल द वैल्यूज टू 0 इन डेटा फ्रेम, चूज द राइट कमांड टू डू सो. वो चाहते हैं कि डेटा फ्रेम के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो 0 हो जाए, फाइन. तो वो कैसे होगा, तो इसके लिए आपके पास है ऑप्शन सी, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया विद 0. यहाँ पे क्या है, जब सिंपल कॉलन दिया है, स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू नहीं दी है, तो इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड वैल्यू तक, और आपने उसको किससे इनिशियलाइज कर दिया, आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से. तो जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, 0, राइट, ओके. तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ओके. डी ऑप्शन नहीं है करेक्ट, यहाँ पे तो कंपैरिजन हो रहा है ना ही df. यहाँ पे देखो df में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करना है. तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, राइट. नेक्स्ट, ही वॉन्ट्स टू डिलीट द रो ऑफ साइंस मार्क्स. अब वो क्या करना चाहते हैं, साइंस मार्क्स जो दिए हुए हैं इसकी रो को डिलीट करना चाहते हैं, ओके. तो यहाँ पे एक्सिस देखो, फर्स्ट में क्या दिया, एक्सिस वन कॉलम के लिए होता है, तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग है. सेकेंड क्या है, df डॉट ड्रॉप साइंस और एक्सिस 0, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, राइट.
ओके नेक्स्ट में x इज माइनस वन है ये भी गलत है और x डबल इक्वल टू जीरो ये भी गलत है. तो इसमें समझ आ रहा है कि जो आपका बी ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट है. फाइन नाउ नेक्स्ट ऑप्शन द फॉलोइंग कोड इज टू क्रिएट अनदर डेटा फ्रेम विच ही वॉन्ट्स टू एड टू द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम. तो एक दूसरा कोड लिखा गया है ओके डेटा फ्रेम के लिए जिसको करेंट डेटा फ्रेम के साथ ज्वाइन किया जाएगा. चूज द राइट कमांड टू डू सो. तो आपने क्या करना है आपको बताना है कि किस कमांड से जो ये वाला डेटा फ्रेम है वो इसमें ज्वाइन हो जाएगा. राइट तो आपके पास कमांड है df डॉट अपेंड एस वन एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे एक्सिस तो हमें स्पेसिफाई करना ही नहीं है क्योंकि हमें कंप्लीट डेटा फ्रेम ज्वाइन करना है, हमें कोई रो या कॉलम ऐड नहीं करना है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका बी है डी एफ डॉट अपेंड एस वन राइट, क्योंकि आपका जो भी डेटा फ्रेम है जो अपेंड करना चाहते हो उसका नेम क्या है एस वन. तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है डी एफ डॉट अपेंड एस वन. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन What will be the output of the given command? आपको बताना है इस कमांड का आउटपुट क्या होगा. df dot index, right? Index की वैल्यू आपने इनिशलाइज किया a b c. अब देखो पहले आपकी इंडेक्स वैल्यू क्या थी, मैथ्स साइंस और हिंदी थी, अब आपने क्या दे दिया a b c. तो यहाँ पे देखो a ऑप्शन के अंदर a b c तो आया बट पुराना इंडेक्स भी आ रहा है तो दिस इज रॉन्ग. b में आपका यस आपने न्यू इंडेक्स दिया है दिस इज करेक्ट a b c आ गया है फाइन. और सी में तो पुराना ही इंडेक्स है ठीक है. तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल बी द साइज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कमांड. आपको बताना है इस कमांड का क्या आउटपुट होगा. डी एफ डॉट साइज, तो आपको पता है साइज क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस डेटा फ्रेम में क्या है 15 है, हमने पहले भी काउंट किया था तो इसका आंसर क्या है 15. ओके 15 इज द करेक्ट आंसर. फाइन ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पुश अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th हैज बीन असाइंड अ कोड टू क्रिएट अ पांडा सीरीज एस वन एज शोन बिलो. ठीक है तो एक स्टूडेंट है जिसको एक टास्क दिया गया है सीरीज क्रिएट करने का. यहाँ पे सीरीज है हमारे पास एस वन विद रेफरेंस टू द अबव आंसर गिवन क्वेश्चंस. इसके रेफरेंस में आपको गिवन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. चूज द कमांड डेट विल गिव द फॉलोइंग आउटपुट. आपके पास क्या आउटपुट है बी एंड सी, ये आपके पास सीरीज आई हुई है तो आपको बताना है किस कमांड से ये सीरीज आएगी. राइट तो फर्स्ट क्या है एस वन स्टार्टिंग जीरो से, तो देखो स्टार्टिंग नहीं है यहाँ पे. ए का मतलब क्या है जीरो इंडेक्स. ठीक है ए आपका जीरो इंडेक्स पे है, बी आपका वन पे है, सी आपका टू पे है, ठीक है डी आपका थ्री पे है एंड ये आपका फोर पे है. तो आपको कहाँ से चाहिए, आपको बी से चाहिए तो वन इंडेक्स होगा आपका. और कहाँ पे जाएगा सी पे जाएगा तो मतलब थ्री होना चाहिए वन एंड थ्री, क्योंकि आपको पता है लास्ट इंडेक्स माइनस वन होता है. ठीक है तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, जीरो से तो स्टार्ट है ही नहीं दोनों. ठीक है तो हम आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है. राइट वन से स्टार्ट होगा आपका बी, बी आ गया ओके एंड थ्री, थ्री क्या होगा थ्री माइनस वन इक्वल्स टू टू तो सी आ गया यहाँ पे वन एंड टू. ठीक है समझ आ रहा है ना लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या होती है हमेशा माइनस वन होती है. तो यहाँ पे वन एंड टू दो इंडेक्स वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ओके हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू विद द इंडेक्स सी. अब आपको क्या बताना है कि इंडेक्स सी की वैल्यू आ जाए. ठीक है सिर्फ इंडेक्स सी की वैल्यू आ जाए उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा. राइट यहाँ पे आपका फर्स्ट क्या है प्रिंट एस वन सी, सी को इन्होंने क्या है सी इंडेक्स एक अल्फाबेटिकल अल्फाबेट है तो इसको इन्होंने क्या है कोर्स में नहीं दिया. देन यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ नहीं किए. अब यहाँ पे देखो सीरीज के नेम के साथ इन्होंने कोर्स लगा दिए ये भी रॉन्ग है. तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो डी है. एस वन क्या है सीरीज का नेम और आपने विद इन स्क्वायर ब्रैकेट दिया है इंडेक्स राइट अलॉन्ग विद द कोर्स. तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. नो विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल गिव द फॉलोइंग आउटपुट. अब आपको बताना है बी एंड डी, बी आए आपका ठीक है और डी आए. फाइन कौन सा कमांड. अब यहाँ पे देखो बी किस पे है, वन इंडेक्स पे है तो सबसे पहले वन वाला देखेंगे. और इसे कहाँ तक जाना है, इसे फोर तक जाना है, जीरो वन टू थ्री फोर, फोर तक जाना है. ठीक है फोर माइनस फोर देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर से लिख के दिखाती हूँ, जीरो
ए आपका जीरो पे है, ये आपका वन पे है, ये आपका टू पे है, ये डी आपका थ्री पे है एंड ई आपका फोर पे है। तो आपको चाहिए वन इंडेक्स की वैल्यू और थ्री इंडेक्स की वैल्यू। तो स्टार्टिंग इंडेक्स आपका वन होना चाहिए और एंडिंग इंडेक्स आपका फोर होना चाहिए, क्योंकि एंडिंग इंडेक्स इज ऑलवेज माइनस वन। और बीच में एक वैल्यू स्किप हुई है तो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्टेप वैल्यू क्या होनी चाहिए, टू। जब आपकी स्टेप वैल्यू टू होती है तो वन वन स्किप करके चलता है, अगर आपकी स्टेप वैल्यू थ्री है तो टू टू करके स्किप करके चलेगा, फाइन। तो यहाँ पे आपका देखो फर्स्ट करेक्ट नहीं है क्योंकि स्टेप वैल्यू टू नहीं दे रखी, ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। लास्ट प्रिंट एस वन डॉट आई लॉग, स्टार्टिंग आपकी वन से हुई यहाँ से, एंडिंग आपकी फोर पे हुई तो आपका थर्ड इंडेक्स पे जाएगा और स्टेप वैल्यू आपकी टू है तो एक स्किप करके चलेगा। तो यहाँ पे इसने सी को स्किप कर दिया है, फाइन। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो ये है, एस वन ओके डॉट आई लॉक ओके वन कॉलन फोर कॉलन टू, राइट। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन मेरे चैनल पे जाओगे ना आप, ये स्लाइसिंग वाले वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा रखा है कि कैसे कैसे आप इसको कर सकते हो, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल डिस्प्ले द सीरीज बाय एडिंग टेन इन ईच वैल्यू, आपको सीरीज को डिस्प्ले कराना है और ईच वैल्यू जो भी सीरीज की जितनी भी वैल्यू है उसमें आपको 10 को ऐड कराना है, ठीक है। इसके लिए क्या कमांड आप यूज करोगे, इसके लिए देखो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग है, ऐसा तो स्टेटमेंट नहीं आएगा। आपका सेकेंड जो है एस वन प्लस 10, ठीक है, ये आपका सिंपल है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, एस वन प्लस 10, राइट। बाकी के दो भी आपके रॉन्ग हैं, फाइन। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, राइट। नाउ पुश वॉन्ट टू डिलीट द वैल्यू अगेंस्ट द इंडेक्स डी, तो पुश क्या जाता है, डी इंडेक्स की वैल्यू डिलीट हो जाए। हेल्प हिम टू चूज द सुटेबल ऑप्शन टू डू सो, अब आपको बताना है कि किस ऑप्शन से वो ये काम कर सकता है, ठीक है। एस वन इक्वल टू एस वन डॉट ड्रॉप डी, अब यहाँ पे डी इंडेक्स में देखो इसने कोर्स में नहीं दिया है, आपका बी ऑप्शन देखो एस वन इक्वल टू एस वन डॉट ड्रॉप डी इंडेक्स, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ओके। तो यहाँ पे डी इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, वो डिलीट हो जाएगी, फाइन, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, राइट। एच आर डिपार्टमेंट ऑफ ए बी सी टेक हैज क्रिएटेड द फॉलोइंग डेटा फ्रेम टू स्टोर अबाउट सैलरीज एंड बोनस पेड टू देयर एम्प्लॉयज, तो ए बी सी टेक ने क्या किया, इस डेटा फ्रेम को क्रिएट किया है अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज को और बोनस को स्टोर करने के लिए, ठीक है, ओके। इम्पोर्ट पांडास एस पी डी, इम्पोर्ट नंपाई एस एन पी, यहाँ पे एक डिक्शनरी की फॉर्म में डेटा है, ई नेम में एम्प्लॉयज के नेम है, एस एस जो है कॉलम और यू कैन से डिक्शनरी की जो की है उसके अंदर सैलरीज एंड बोनस है, ठीक है, और आपने डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया है, फाइन। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, चूज द पाइथन स्टेटमेंट यूजिंग द सुटेबल फंक्शन फॉर द फॉलोइंग टास्क, सबसे पहले क्या है, डिस्प्ले द कॉलम सैलरी एंड बोनस, आपको कॉलम सैलरी एंड बोनस को डिस्प्ले कराना है, फाइन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ये तो फर्स्ट तो रॉन्ग है आपका, डी एफ वन डॉट लॉक, लॉक के अंदर क्या आप दे दोगे, आप लेबल्स दे दोगे, ठीक है, कॉलम लेबल्स दे दोगे सैलरी एंड बोनस, इससे क्या होगा, ये दोनों एक्सेस हो जाएंगे एंड यू कैन डिस्प्ले देम, फाइन, ओके। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय कविता, आपको कविता की डिटेल्स को क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। तो आपका जो फर्स्ट है डी एफ वन, डी एफ वन डॉट ई नेम, ये आपका नहीं है करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी एफ वन डॉट लॉक, ओके, लॉक के अंदर डी एफ वन डॉट ई नेम, ई नेम डबल इक्वल टू क्या होता है, जहाँ पे ई नेम क्या हो, कविता के इक्वल हो, ओके, उस लोकेशन को आप एक्सेस करा रहे हो, राइट। डी एफ वन डॉट लॉग डी एफ वन डॉट ई नेम डबल इक्वल्स टू कविता, फाइन। तो यहाँ से क्या है, कविता की डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, ओके, लॉग फंक्शन की हेल्प से आप कविता की डिटेल्स को यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, राइट। नाउ डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द लास्ट एम्प्लॉय, अब लास्ट एम्प्लॉय के लिए डिटेल्स को करने के लिए आप टेल फंक्शन का यूज करोगे, ओके, और लास्ट क्या होगा, टेल वन डी एफ डॉट टेल वन, राइट, क्योंकि वन किसके लिए यूज होता है, जो टेल फंक्शन होता है उसमें वन मतलब जो सबसे लास्ट वाली रो है वो, ओके,
तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है. नाउ एड अ न्यू कॉलम नेम्ड ईमेल विद द वैल्यू. आपके को एक न्यू कॉलम ऐड करना है डेटा फ्रेम में. ओके उसकी वैल्यू दी हुई है राइट. तो इसके लिए आप क्या ऑप्शन यूज़ करोगे. इसके लिए हमारे पास फर्स्ट क्या है, DF1 डेटा फ्रेम का नेम है, ईमेल कॉलम का नेम है और यहाँ पे वैल्यू दी हुई है. तो दिस इज़ करेक्ट आंसर. आपका ए ही है जो क्या है करेक्ट आंसर है. फाइन ईमेल दो. सेकंड में ईमेल कॉलम जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसको आपने कोट्स में नहीं दिया, दिस इज रॉन्ग. फाइन तो ये एक्स ऐड करने के लिए कॉलम आपके पास ये स्टेटमेंट है एंड दिस इज करेक्ट. ओके स्टेटमेंट ए. फाइन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Write a Python statement to print the details of employees having salary more than 50,000. आपको वो statement बतानी है जहाँ पे ये display कराएगा salary, जहाँ पे salary क्या है 50,000 से greater है. Fine. तो df1.salary greater than equal to 5,000 दे रखी है. This is wrong. Okay. Second में क्या है df1 आपका data frame का name और df1.salary greater than, तो यहाँ से आप एक्सेस करोगे उन एम्प्लॉयज का डेटा. ठीक है देखो डिटेल्स उन एम्प्लॉयज की डिटेल्स जहाँ पे सैलरी क्या है ग्रेटर देन क्या है 5,000. अच्छा इसमें 5,000 यहाँ पे एक जीरो लगा दो, यहाँ या तो एक ही जीरो यहाँ से हटा दो, 5,000 ही ले लो. ठीक है तो आपका स्टेटमेंट क्या है बी करेक्ट है. ओके क्योंकि देखो ये क्या है DF1 डेटा फ्रेम का नेम है और यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से कंडीशंस आपकी करेक्ट होगी. ओके और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है यहाँ पे देखो DF1.salary और आपने कंडीशन दी शुड बी ग्रेटर देन 5,000 राइट. तो वो सैलरी आ जाएगी जो क्या है उनका उनका डिटेल्स आ जाएगा जहाँ पे सैलरी क्या है 5,000 से के से ग्रेटर है या 5,000 के इक्वल है. ओके तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है. फाइन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर अंकित इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज डेटा एनालिस्ट. ही यूजेस पाइथन पांडास एंड मेट प्लॉटलिब फॉर द सेम. ठीक है मिस्टर अंकित एक ऑर्गेनाइजेशन में एज अ डेटा एनालिस्ट वर्क करते हैं. वो पाइथन और पांडास और मेट प्लॉटलिब का यूज करते हैं. ही गॉट अ डेटा सेट ऑफ द पैसेंजर्स फॉर द ईयर 2010 टू 2012 फॉर जनवरी मार्च एंड दिसंबर राइट. उनको एक डेटा सेट मिला है जहाँ पे पैसेंजर्स का डेटा है कब से कब तक 2010 से लेकर 2012 तक का और मंथ्स कौन से हैं जनवरी मार्च एंड दिसंबर. ओके हिज मैनेजर वांट्स सर्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिम बट ही इज़ फेसिंग सम प्रॉब्लम. उनके मैनेजर को उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए बट वो क्या करें कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. हेल्प हिम बाय आंसरिंग फ्यू क्वेश्चन. तो आपको उनके कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. तो ये क्या है आपके पास डेटा फ्रेम है. फाइन तो अकॉर्डिंग टू एंड दिस इज योर डेटा फ्रेम. अकॉर्डिंग टू दिस आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं. फर्स्ट क्या है चूज द राइट कोड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द स्टेटमेंट वन. अब देखो स्टेटमेंट वन में क्या होगा, इम्पोर्ट पांडा सेज आपको एलियास नेम देना है तो मोस्टली हम पीडी देते हैं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन वन करेक्ट है पीडी. फाइन नाउ क्वेश्चन टू चूज द राइट कोड फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द स्टेटमेंट टू. अब आपका स्टेटमेंट टू यहाँ पर है और आपको क्या करना है डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप क्या करोगे डेटा फ्रेम लिखोगे pd.dataframe. तो ये आपका ऑप्शन टू करेक्ट है राइट डेटा फ्रेम. ओके देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और मेथड फॉर द रिक्वायर्ड आउटपुट. आपको क्या चाहिए, आपको ये शो करना है 5, 5, 3 राइट. तो 5, 3 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बता रहा है नंबर ऑफ रोज कितनी है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं. 5, 3 क्या है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम. तो आप वो कैसे शो करोगे, बाय यूजिंग द शेप प्रॉपर्टी ऑफ द डेटा फ्रेम. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 df.shape प्रॉपर्टी. फाइन ओके ये आपका करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट He wants to print the details of January month along with the number of passengers. अब January month का data वो display कराना चाहते हैं along with the passenger. Identify the correct statement. अब आपको बताना है वो कैसे print हो सकता है. तो df.logMonthPassenger df.month equals to January. ठीक है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ही वॉन्ट्स टू प्रिंट द डिटेल्स ऑफ द मंथ. यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है तो यहाँ पे देखो आपका जो सेकंड देखो df month दे दिया, पैसेंजर्स हो गया आपका df month इक्वल यहाँ पे डबल इक्वल्स टू जनवरी राइट. तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट है. फाइन
यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे हम लोकेशन एक्सेस नहीं करा रहे, ही वांट्स टू प्रिंट द डिटेल्स ऑफ द जनवरी, सिंपली प्रिंट करा रहे हैं जनवरी मंथ अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, पैसेंजर्स के साथ आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, फाइन ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर अंकित वॉन्ट्स टू चेंज द इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम एंड द आउटपुट फॉर द सेम इज गिवन बिलो। अब क्या है यहाँ पे जो आपका डेटा फ्रेम है वो ये है आपका डेटा फ्रेम, उसके इंडेक्स वैल्यू क्या है 0, 1, 2, 3, 4, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, इस ओके इस फॉर्म में। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट टू चेंज द इंडेक्स, अब आपको बताना है किस स्टेटमेंट से इंडेक्स वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है। तो सिंपली आप क्या करोगे df डॉट इंडेक्स और इनिशलाइज कर दोगे न्यू वैल्यूज को, फाइन। तो ये आपका रॉन्ग है, ये और ये भी आपका रॉन्ग है। जो आप क्या करोगे इंडेक्स जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके अंदर आप वैल्यू सिंपली इनिशलाइज कर दोगे। df आपका क्या है डेटा फ्रेम का नेम, df डॉट इंडेक्स, फाइन, और आपने यहाँ पे वैल्यूज को इनिशलाइज करा दिया। ओके ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।